हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर विवेक जैन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 डायग्नोसिस। आखिर जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, डॉक्टर्स को कैसे पता लगता है कि उसको कोरोना वायरस डिजीज है, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या हैं और डॉक्टर कैसे डायग्नोस करते हैं। तो जनरली जो अभी तक जो प्रचार में आया है और जो सब लोगों को पता लगा है कि सबसे पहले कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन होता है उसमें पर्सन को बुखार आ जाती है, खांसी होती है और निमोनिया हो जाता है, तो इसमें सबसे पहले डॉक्टर कैसे डायग्नोस करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जिस भी पेशेंट को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, ये एक कोरोना वायरस की स्ट्रक्चर है। इस कोरोना वायरस में ये स्पाइक प्रोटीन्स है और ये उसका न्यूक्लिक एसिड मटेरियल है। ये जो है स्पाइक प्रोटीन्स है ब्लू कलर की स्ट्रक्चर में, ये मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है और ये इसका एनवलप प्रोटीन है और ये इसका सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मटेरियल है, जिसको कि हम न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं इसका। ओके, तो अब सबसे पहले जब कोरोना वायरस का पेशेंट जो हॉस्पिटल में जाएगा तो सबसे पहले उसका टेस्ट किया जाएगा। तो अब जब यहाँ पर उस पर्सन का टेस्ट किया जाएगा तो उस पर्सन का क्या चीज़ लिया जाएगा। जनरली हम जानते हैं कि जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ब्लड सैंपल लेते हैं या यूरिन का सैंपल लेते हैं, बट यहाँ पर जो टेस्टिंग का तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर सबसे पहले नासोफेरिंजियल स्वैब लिया जाएगा, नासोफेरिंजियल स्वैब लेते हैं या फिर ओरोफेरिंजियल स्वैब लिया जाता है। तो दोनों में से कोई एक ही लिया जाएगा, या तो नासोफेरिंजियल स्वैब ले लेंगे या फिर ओरोफेरिंजियल स्वैब ले लेंगे या फिर गावेज करा सकते हैं उसको, या फिर स्पूटम लिया जा सकता है, पेशेंट का स्पूटम लिया जा सकता है। तो नासोफेरिंजियल स्वैब में क्या किया जाता है, देखिए जनरली आपने ईयरबड देखी होगी, इसी तरह की ईयरबड होती है और ईयरबड को सबसे पहले क्या किया जाएगा, स्वैब लिया जाएगा और उसमें यहाँ पर नोज के अंदर उसको इंसर्ट किया जाएगा और यहाँ तक जो है उसको आगे तक लिया जाएगा और फिर वापस कलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर किसी पेशेंट के अंदर अगर नासोफेरिंजियल इसको नहीं ले सकते तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में उसका जो माउथ के अंदर से ओरोफेरिंजियल स्वैब लिया जाएगा। तो उस पर्सन का माउथ ओपन किया जाएगा और फिर ओपन करके उसको एंड तक, इस जो स्वैब है इसको बिल्कुल एंड तक अंदर लेके जाएगा, जैसे कि ऐसे अंदर तक लेके जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो ये स्वैब है इसके ऊपर जो है वायरस का कलेक्शन, वायरस अगर उस पर्सन के अंदर होगा तो उसके पार्टिकल्स इस पर आ चुके हैं। अब रही बात इसके कलेक्शन की, तो सबसे पहले इसको कलेक्ट किया जाएगा, कलेक्ट करने के बाद में इसका पैकेजिंग की जाएगी और पैकेजिंग करने के बाद में इसको जो भी गवर्नमेंट की तरफ से सर्टिफाइड लैब्स है, जैसे कि ICMR और CSIR की और गवर्नमेंट कॉलेजेस, जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो भी हैं वहाँ पर सर्टिफाइड लैब्स हैं, वहाँ पर बायोसेफ्टी रूल्स के अकॉर्डिंग इसको भेज दिया जाएगा। बायोसेफ्टी रूल अब वहाँ पर जो है पूरे नॉर्म्स फॉलो करने के बाद में वहाँ पर चेकअप किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर चेक किया जाएगा इसका टेस्ट किया जाएगा, तो जो इसका कंफर्मेटिव टेस्ट है वो है नैट न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इस टेस्ट में जनरली क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का एम्प्लीफिकेशन करते हैं। तो इसको हम जिस मशीन से करते हैं, इसमें बेसिकली जो कंसेप्ट है वो RTPCR वाला कंसेप्ट है। सो रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की जाती है और रियल टाइम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू क्या होगा, जो भी वायरस का जो स्वैब पर जो हमारा न्यूक्लिक एसिड या वायरस का जो पार्टिकल आ गया है, वायरस जो आ गए हैं उसमें वायरस का नेचुरली है कि अगर वायरस होगा तो उसमें उसका DNA न्यूक्लिक एसिड मटेरियल होगा, उस मटेरियल को फिर हम रियल टाइम RTPCR मशीन्स जो होती हैं लेबोरेटरीज में वहाँ पर चेक किया जाता है। और अगर पर्सन के अंदर कोरोना से अगर इन्फेक्टेड है, वायरस से इन्फेक्टेड है, सार्स कोरोना 2 वायरस से अगर इन्फेक्टेड है तो वो सार्स कोरोना वायरस पॉजिटिव केस हो जाएगा। तो यहाँ पर कंफर्मेटिव रिपोर्ट्स आ जाएंगी, बट ये टेस्ट होने में रिपोर्ट्स आने में लगभग 12 से 15 या 18 घंटे लगते हैं।
और डिपेंड ये भी करता है कि पर्सन की जो रिपोर्ट है उसी सिटी से दूसरी सिटी में गई है, क्योंकि बहुत सारे जगह हिंदुस्तान में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है छोटे छोटे इलाकों में। तो जब तक रिपोर्ट आती है तो तब तक और डॉक्टर्स जो हैं और बॉडी के और बहुत सारे पैरामीटर्स चेक करेंगे। तो वहाँ बॉडी के और कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे वो चेक करेंगे। तो इसमें देखते सबसे पहले हमने ये कहा है कि पर्सन को जो है क्या हो रहा है, फीवर आ रहा है। सो फीवर जो है, फीवर का पता हम लगाएंगे ये हमारे पास में ब्रेन हो गया, ब्रेन में हमारा थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है। सो फीवर का आपको पता लग जाएगा। प्लस फिर हमारे पास में लंग वाली कंडीशंस हैं। सो लंग्स के अंदर मैंने इससे पहले पैथोजेनेसिस वाला जो लेक्चर था उसमें भी डिस्कस किया था, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, पेशेंट का शॉर्टनेस हो रही है ब्रीथ की, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा पेशेंट का, मतलब उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर रहा, सांस नहीं आसानी से ले पा रहा। अगर सांस वो आसानी से नहीं ले पा रहा तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और बॉडी में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो पार्शियल प्रेशर जो है PO2 वो उसका क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। साथ के साथ में पेशेंट को और क्या हो रहा है यहाँ पे, कफ भी हो रहा है। सो ये प्रोडक्टिव कफ हो रहा है यहाँ पे। तो ये तो हमारे हो गए लंग्स के पैरामीटर की यहाँ पर कफ भी जनरेट हो रहा है और PO2 भी डिक्रीज हो रहा है। तो ये पैरामीटर्स के पेशेंट के चेक किए कर लिए जाएंगे। उसके बाद हम जनरली हम जब भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ब्लड पैरामीटर जरूर चेक किए जाते हैं। तो ब्लड पैरामीटर को हम यहाँ पर बोल रहे हैं CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। अगर कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं तो जो अभी रिसेंटली चाइना में जो वहाँ जो इतने सारे केसेस आए कोरोना वायरस के, उन रिपोर्ट से ये पता लगा है कि जो भी कोरोना वायरस के इन्फेक्टेड पेशेंट हैं उनमें लिम्फोपीनिया हो जाता है, लिम्फोपीनिया और इओसिनोपीनिया हो जाता है। इन दोनों का मतलब क्या है, मतलब कि लिम्फोसाइट का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, प्लस ईओसिनोफिल जो है उनका अमाउंट भी कम हो जाएगा। तो ज़्यादातर कि इसमें ऐसा रिपोर्ट किया गया है कि दोनों चीज़ें हो जाती है। हालांकि जो हमारे पास में RBC का जो लेवल है और इसके साथ के साथ में हीमोग्लोबिन का लेवल है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर RBC और हीमोग्लोबिन के लेवल में कोई चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट का काउंट लिटिल डिक्रीज हुआ है, प्लेटलेट का काउंट जो है थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, बट वो सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट, नॉन सिग्निफिकेंट है, क्लिनिकली नॉट सिग्निफिकेंट है। तो इसके घबराने की जरूरत नहीं, आरबीसी और हीमोग्लोबिन का लेवल कम नहीं होगा, प्लेटलेट का लेवल भी बहुत कम नहीं होगा। जो कम होता है लिम्फोपीनिया, मतलब लिम्फोसाइट कम हो जाएगी और इओसिनोफिल कम हो जाएगी। एक जो है इसमें ESR जो एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं जो कि चेंज हो रही हैं, वो क्या क्या हैं, लिम्फोसाइट का नंबर चेंज हो गया, इओसिनोफिलिया हो गया, और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एज फार एज कंसर्न ऑफ द ब्लड पैरामीटर। और ब्लड के साथ साथ में अगर हम हार्ट को देखें तो हार्ट के केस में क्या हो रहा है, हार्ट के केस में हमारे पास में जो मैंने पैथोजेनेसिस डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो रहा है। ब्लड वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो टोटल पेरीफ्रल रेजिस्टेंस जो है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। अगर ब्लड वॉल्यूम और टोटल पेरीफ्रल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया तो बॉडी में परफ्यूजन कम हो जाएगा, परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा। परफ्यूजन अगर पर्सन का डिक्रीज हो गया तो सेप्टिक शॉक वाली कंडीशंस आ जाएंगी। सो ये सारे पैरामीटर जो है हमारे पास में हार्ट के अंदर जो है वो चेंज आ जाते हैं। अब अगर हम देखेंगे परफ्यूजन चेंज हो गया, अगर हम किडनी की तरफ देखें तो किडनी में हमें ये देखने को मिलता है कि पर्सन के अंदर जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो किडनी में ये दोनों ही जो मार्कर पैरामीटर्स है किडनी के, LFT, यहाँ पर LFT लीवर फंक्शन, सॉरी किडनी फंक्शन टेस्ट के थ्रू हमें पता लग जाएगा। और फिर
किडनी फंक्शन टेस्ट में हम BUN और क्रिएटिन का लेवल चेक कर सकते हैं, दोनों ही इंक्रीज होंगे। अगर हम लीवर की तरफ देखें तो लीवर में क्या क्या चेंजेस आएंगे, सो लीवर के अंदर देखिए क्या होगा, AST जो है एस्पार्टेट ट्रांसफरेज एंजाइम जो है वो बढ़ जाएगा, ALT एलेलिन ट्रांसअमीनेज एंजाइम वो बढ़ जाएगा, बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। ओके सो ये सारे पैरामीटर इसके अंदर बढ़ जाएंगे। साथ के साथ में अगर हम इन्फ्लामेटरी पैरामीटर्स को देखें कि जो इन्फ्लामेटरी पैरामीटर्स के अंदर जो सी रिएक्टिव प्रोटीन जो है CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन वो इंक्रीज हो जाएगा, इंटरल्यूकिन 6 का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ओके और साथ के साथ में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा वो भी बढ़ जाएगा। इसके साथ में और क्या होता है, जो एक और पैरामीटर्स हैं जो कि जैसे कि ट्रांसफेरेटिन है, फेरेटिन उसका भी अमाउंट जो है वो भी बढ़ जाता है, ट्रांसफेरेटिन का अमाउंट भी जो है वो हमारे पास में चेंज हो जाता है। क्लियर? सो ट्रांसफेरेटिन बेसिकली आयरन को ट्रांसफर करने के काम आता है, तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारे पैरामीटर्स जो है इस केस में चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद में और कंफर्मेशन करने के क्या क्या केसेस हैं कि किस तरह से हम उसको कंफर्म करेंगे, तो इसमें हमारे पास में है कि हम चेस्ट एक्सरे करें। हम क्या कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरे किया जा सकता है। अगर चेस्ट एक्सरे अगर हम करते हैं तो चेस्ट एक्सरे में क्या करें, क्या हमें करेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे, यहां पर हमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी मिलेगी। ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी क्या है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, अगर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी का मतलब जो है लंग्स का जो हमारा लोअर पोर्शन है उस पोर्शन में आपको बिल्कुल ओपेक स्ट्रक्चर्स दिखेगी, उसे हम ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी बोलते हैं। तो चेस्ट एक्सरे से भी कंफर्म हो जाएगा अगर ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। फर्दर पर्सन का क्या किया जा सकता है, फर्दर हम उसका सिटी स्कैन कर सकते हैं। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, सिटी स्कैन केस कर सकते हैं। सिटी स्कैन के अंदर क्या होगा कि सिटी स्कैन में भी हमें क्या करना पड़ेगा कि ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी तो आपको मिलेगी इसी ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, एक चीज ये मिलेगी। दूसरी और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कंसोलिडेशन मिलेंगे। कंसोलिडेशन का मतलब ये है कि जो भी लंग्स के अंदर कफ आ रहा है वो कफ जमा हो गया, बहुत सारे पार्टिकल जैसे कि इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स हो गए, इंटरल्यूकिन 6 हो गया और न्यूट्रोफिल्स हो गई, तो ये सारी सेल्स जो है वो उसके अंदर जमा हो जाती हैं, काफी सारी सेल्स एल्वियोलाई में, और वही सेल्स जो है काफी सारा कंसोलिडेशन बना लेती हैं, तो वो कंसोलिडेशन स्ट्रक्चर भी इसमें नजर आएंगी। फर्दर इसमें क्रेजी पेविंग स्ट्रक्चर्स दिखेंगी, इसमें जो हमारे पास में लंग्स होंगे उसमें क्रेजी पेविंग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। तो ये तीन पैरामीटर्स है, अगर किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का सीटी स्कैन कराया जाए तो ये तीनों पैरामीटर्स उसके अंदर दिखेंगे, तो इससे भी हमें पता लग जाएगा कि पर्सन का जो है कोरोना पॉजिटिव है। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड में भी हमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी नजर आएगी। ओके कंसोलिडेशन हमें दिखेगा, कंसोलिडेशन जो है ब्रोकाइज में दिखेगा, कंसोलिडेशन इन ब्रोकाई और बी लाइन यहां हमें दिखेंगी, बी लाइन हमें दिखेंगी। प्लस साथ के साथ में जो प्लूरल कैविटीज हैं, प्लूरल लाइन जो है उसकी थिकनेस नजर आएगी, क्योंकि उसमें इन्फ्लामेशन हो रहा है तो स्वेलिंग अगर उसमें आ रही है तो ये तीन चीजें इसमें हमें नजर आएंगी। तो अल्ट्रासाउंड से भी अगर ये सारे पैरामीटर्स हमें नजर आते हैं किसी भी पेशेंट के अंदर तो उससे कोरोना उसके पॉजिटिव के सिम्टम्स यहाँ पर नजर आते हैं। इन्फ्लामेटरी पैरामीटर में ये तीन पैरामीटर तो है ही सही, इसके साथ में डी डाइमर भी दिखता है, उसमें डी डाइमर ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके सो अब यहाँ पर इतने सारे पैरामीटर्स सारे चेक करने के बाद डॉक्टर कंफर्म कर देंगे कि पेशेंट को कोरोना है। अब उसके बाद में थोड़ी टाइम बाद में वापस पेशेंट का दोबारा से टेस्ट किया जाता है विद इन अ वीक,
और फिर वापस से उसका आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा, वो चेक किया जाएगा। अगर पेशेंट के अंदर वायरस के सिम्टम्स नहीं आते, अगर कोरोना नेगेटिव आता है, तो ये सारे चीज़ें भी चेक की जाएंगी, सारे पैरामीटर्स, जैसे कि लंग्स के, हार्ट के, किडनी के, लीवर के पैरामीटर्स जो हैं, वो सारे सीरोलॉजिकल टेस्टिंग भी की जाएंगी। उन टेस्ट से अगर इन पैरामीटर्स में रिकवरी मौजूद होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट अब रिकवर हो रहा है। तो इस तरह से पेशेंट का फर्दर 2-3 बार जो है आरटीपीसीआर फर्स्ट वीक में, सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में इस तरह से टेस्ट किया जाता है, और जब सारे टेस्ट अगर नेगेटिव आते हैं उसके, तब पेशेंट ये समझा जाता है कि पेशेंट का जो है कोरोना ठीक हो गया है। सो होपफुली आपको आज का इस लेक्चर में मैंने जो डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा, और जो भी आपको क्वेरीज हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।